हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कुशल मंगल से होंगे। और सुबह सुबह का यहाँ पर नाश्ता बन चुका है और ये स्प्राउट्स भिगा रखे थे मैंने चने को और मूंग को रात में ही, उसी में मैंने खीरा, हरी मिर्च, नींबू, नमक सब कुछ डाल के और मिला दिया है। बच्चों को एक टिफ़िन में वो दे दूँगी, जैसे कभी फ्रूट, कभी खीरा, कभी कुछ ऐसे ही दे देते हैं। इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं उनकी, जान लीजिए। मुझे लगता है इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई घर में रह रह के, इतने समय से वो बिल्कुल से ही कुछ करते नहीं थे, आना जाना कहीं होता नहीं था, तो एकदम से थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो एकदम थक जाते हैं, गेम भी खेल के दम थके रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा हेल्दी, तो ये स्प्राउट्स अच्छे रहेंगे, तो बस इसलिए मैंने कहा थोड़ा उनका खेलने वलने के लिए स्टेमिना जो है बढ़े, ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी थक ही जाते हैं, वो आते हैं एकदम सुस्त रहते हैं। ग्लूकॉन डी मैं मंगाने की सोच रही हूँ कि गर्मियाँ हैं तो ग्लूकॉन डी भी घोल के दूँ उन्हें। और अभी आप लोग के पास कुछ अच्छा उपाय हो तो वो बताइएगा। और रात में कचौड़ियाँ बनाई थी, तो अक्सर जो मैं भरी वाली कचौड़ी या कुछ ऐसा रात में बनाती हूँ, जैसे मसाला ज़्यादा बना लिया और फ्रिज में रख दिया, और सुबह के टाइम में आसानी हो जाती है, जल्दी से हम जैसे लंच वगैरह टिफ़िन वगैरह बनाते हैं बच्चों के लिए तो फटाफट से, तो इसीलिए मैंने आज उनको कचौड़ी और पूड़ियाँ बना के दी। जब से स्कूल खुले थे अभी सादा ही मतलब रोटी और पराठा दे रही थी, तो आज खुश हो गए हैं कि आज पूड़ियाँ मिली हैं, उनके पसंद की आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, और बस उनको बाय बोलने के लिए नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि बच्चों को सुबह नीचे तक जाती हूँ, बाय बोल के आती हूँ। बच्चों को सबको भेज दिया है, ये देखिए बैठ गई। मैंने कहा चलो नाश्ता कर लिया जाए पहले, क्योंकि खाने पीने के बाद और काम होंगे। आज मैंने पहले ही नहा लिया तो आराम है, नहीं कितना भी करती हूँ 9-10 बज ही जाता है, लेकिन जब पहले नहा लिया उठ के, अब फटाफट 8 बज रहे हैं, सबको विदा करके नाश्ता करने बैठ गई हूँ। नाश्ता कर लूंगी फिर काम होते रहेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, रेडी है, और दीक्षा का भी रखा हुआ है, फोन रख दो, नाश्ता कर लो। भूख ही नहीं लगी आज, जल्दी कर दिया मैंने तो इनको भूख ही नहीं लगी है। मैंने कहा जाओ साथ में करने, इनको बोलती तुम नाश्ता कर लो, क्योंकि सब चले गए हैं तो मैं तो पूजा पाठ करने में काफी लेट हो ही जाता था, 9 बज जाते थे, 10 बज जाते, कभी कभी 9-10, क्योंकि कुछ ना कुछ काम, साफ सफाई, कितनी भी जल्दी करती लेट हो जाता था। लेकिन इसीलिए मैंने आज कहा पहले कर लेती हूँ, नहाना धोना पूजा पाठ पहले कर लिया, तो अब जल्दी हो गया है तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर और काम होंगे। तो अभी सीधे आप लोग से शाम को मुलाकात हो रही है, और शाम को मैं अभी यहाँ पर पानी रख दी हूँ गैस पे, उसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच ऑयल डाला है, तो बनाने जा रही हूँ मैं माइक्रोनी, तो बस उसको रख दिया है बॉयल होने के लिए, डाल दिए हैं, जब उबलने वाला पानी था तब उसमें डाला है, और इधर कढ़ाई चढ़ाई है तो इसमें ना थोड़ा सा तेल डाला है, इसको फ्राई करके जो वो सिरका होता है ना कटहल को, उसमें डालना है मुझे सिरके में, तो बस उसी लिए थोड़ा सा कटहल उसमें डाल दिया है, और इधर देख रही माइक्रोनी, जब उबाल आ जाए उसके बाद हल्का सा, एकदम ओवर कुक नहीं होने देना है, फटने लगता है उतना नहीं पकाना है, हल्का सा हाथ से जब हम दबाते हैं ना तो अच्छे से सॉफ्ट सा हो जाता है, पता चल जाता है, बस उतना ही पकाया है। और बस अब इसको तुरंत ही पानी से छान देंगे, उस गर्म पानी में छोड़ना नहीं होता, नहीं तो फिर वो एकदम से मतलब फटने लगते हैं, फिर जब हम जब उसको बनाते हैं तो उसी में एकदम मैसी सा हो जाता है, सब मिल जाता है उसमें, इतना नहीं, जो कोई भी चीज़ है ओवर कुक हो जाती है तो नहीं अच्छी लगती है, तो बस इसको तुरंत ही छान दिया है, और इसको ठंडे ठंडे पानी से इसको धुल दूंगी। और आजकल गर्मियां हैं तो हाथ बहुत बचा रही हूँ, क्योंकि एक दो बार मैं जल चुकी हूँ, तो भाप से तो बहुत ज़्यादा आदमी जल जाता है, इसलिए मैंने वहीं रख के उसमें छान दिया था, और छानने के बाद रख दिया है उसको धुल के। और इधर प्याज ले लिए हैं, शिमला मिर्च और टमाटर जो मेरे पास सब्जियाँ थी वो ले ली हैं, और इसी चॉपर में ही डाल के मैं काट लूँगी, वैसे तो हाथ से भी काट सकते हैं, और चॉपर में मेरे काम जो है जल्दी हो जाते हैं, और लंबा लंबा पतला पतला भी काट के डालते हैं, इसमें तो छोटे छोटे से हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जब उस
उसमें अच्छे से मिल जाते हैं ना, तो सब्जियां छोड़ते नहीं हैं, खा लेते हैं। इसीलिए मैंने छोटा छोटा सा, देखिए प्याज कितना छोटा दिख रहा है ना, और बहुत जल्दी से कट जाता है। वैसे हम रोते हैं, आंसू निकलते हैं, तो बस काट लिया है सब्जियों को। इसमें हरी मिर्ची डाल दी है ऐसी लंबी लंबी, ताकि बच्चों को दिखे, तो मेरा काम यही रहता है, ऐसे ही करती हूँ मैं। उसके बाद बस प्याज डाल दिया है, और यहाँ पर देव क्या कह रहे हैं, इसमें कटहल लगा हुआ था थोड़ा सा ना, कलछुल में कटहल फ्राई किया था। बोले मम्मी इसको मत डालो, इसको धुल के डालो। तो इसीलिए मैंने कहा लो मैं उसमें डाल देती, तब बोला मुझे धुलने के लिए दे दो, तो मैंने हाथ से उसी में बोला ये कटहल डाल दे रही हूँ। तब जाके वो हटा, मान ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा एलर्जी होती है इनको, बहुत कम पसंद है देव को सब्जियाँ, बहुत कम, कोई मतलब बहुत कम पसंद है हर सब्जी में, उसको नाटक आता है। लेकिन मैं भी मानती नहीं हूँ, ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, चाहे थोड़ा सा ही खाओ। तो बस यहाँ पे प्याज मिर्ची, और उसके बाद इसमें अदरक थोड़े से ग्रेट करके डाल दें, या फिर मैंने उसमें जो कूटते हैं ना उसमें खल्लड़ में, उसमें डाल के कूट के डाल दिया है। और उसके बाद जो शिमला मिर्ची थी वो छोटी छोटी सी कटी हुई, उसको डाल दिया है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं रहता है, बस थोड़ा सा पकाया है और हल्का सा। और उसके बाद इसमें थोड़े से मसालों में मैंने लाल मिर्ची थोड़ी सी, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, ये तीन चीज़ डाली है। वैसे आप इसकी जगह पे मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, कोई मसाला ना डालें, सिर्फ एक पैकेट, जैसे जिस हिसाब से आप बना रहे हैं एक पैकेट या दो पैकेट मैगी मसाला डाल दें, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस उसको डालने के बाद टमाटर डाल दिया था, मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा और पकाया है। उसके बाद अब इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, और नमक मिलाने के बाद इसमें डाल दिया है थोड़ा सा टोमेटो केचप, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उसको डालने के बाद बस इसमें माइक्रोनी जो बॉयल करके रखी थी, इनको थोड़ा सा चिपक रही थी, तो हाथ से मैंने छुड़ा लिया है, और इसको डाल के अब मिला लेंगे। तो झटपट से वैसे ये माइक्रोनी बन जाती है, और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो आज खुश हो गए हैं बच्चे, सुबह से शाम तक उनके मन की चीज़ें बनी हैं। तो देव तो सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कई दिनों से परेशान थे कि मम्मी कुछ नहीं बना रही, कुछ नहीं बना रही, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था मेरा। तो आज मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ, तो बस ये माइक्रोनी बना दी, सुबह भी पूड़ी कचौड़ी उनके मन की सब्जी, और रात में भी मैंने उनके मन का बना दिया, तो इसलिए बहुत ही खुश थे। तो बस उन्हीं की प्लेट सबसे पहले निकल रही है, तो आ जाइए आप लोग भी, प्लेट लग गई है गर्मा गर्म माइक्रोनी। और अभी इसके बाद बनाऊँगी मैं चाय, तो अभी बन रही है चाय। और आप लोग को देख के लग रहा होगा कि आज मैं कैसे बना रही हूँ, तो ये जो वो वाला आता है मिल्क पाउडर, उससे बना रही हूँ चाय, क्योंकि दूध आज लेट हो गए थे डेयरी में, तो दूध हो गया था ख़त्म, और वो जो पैकेट वाला आता है वो ले नहीं आए। हमने कहा चलो इसी से आज बना लेते हैं। पहले के समय में हम लोग कहाँ पैकेट वाला कोई दूध मिलता था, ये रखा रहता था, कोई डिश वगैरह बनानी रहती तो मेरे पास रखा था, तो बस मैंने कहा लो यही डाल के आज मैं चाय बना लेती हूँ। ये देखिए माइक्रोनी खा खा के क्या हो रहा है। हाँ देखो 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 स्टाइल देखो इन लोगों की। चलो नई पढ़ाई हो रही है, काम बुक खुली है बस, काम क्यों लिखा भाई मैंने। ये दीक्षा के हाथ में फोन है, यही चल रहा है बस, फोन देखा जा रहा है। तो चलो मेरे साथ और किचन में कुछ काम कराओ, सही है ना? ठीक है चलो, इतना खिलाया पिलाया कुछ तो हेल्प कराओ। चलो 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 आ जाओ, अब पढ़ाई करो तो फिर नहीं चलना है, अगर पढ़ाई नहीं करना है चलो मेरे साथ हेल्प कराओ मेरी, ठीक है। देव को एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया, पर देव अब बड़े हो गए हैं तो उनको शर्म आ रही है, जाना नहीं चाह रहे हैं। मतलब छोटे बच्चे का बर्थडे है हमारी गली में ही, तो उन्होंने बुलाया है पर वो जाना नहीं चाह रहा है। देखती हूँ भैया कोई इन्वाइट कर देता है तो भेजना तो बनता है, और अभी मेरे और भी कई काम पड़े हुए हैं, तो चलो मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो झाड़ू लगाने जा रही थी, तो उससे पहले ये आलू और प्याज ये लेकर आए थे कि इकट्ठा ही ले आ देते हैं, 5-5 किलो जैसे आ गया, तो कुछ दिन के लिए फुर्सत हो जाती, तो इसको बस इसी में डाल रही हैं। तो फ्रिज का जो नीचे होता है उसके नीचे आप पेपर या फिर गत्ता जैसे वो आते कार्टून वगैरह का, वो काट के मैं लगाई हूँ। तो आलू प्याज तो धुलती नहीं हूँ, आलू भी मैं बाद में जैसे काटना होता तभी धुलती हूँ, तो उससे मिट्टी वगैरह सब कुछ नीचे गिरता नहीं है, तो बस मैंने उसको रख दिया है। और अभी बना रही हूँ मैं तोरी की सब्जी, नेनुआ बोलते हैं,
आज अभी बर्तन पड़े हुए हैं, दीक्षा बोली मैं धुल दूंगी, मम्मी आके आप खाना बनाओ, तो दो सब्जियां बना रही हूँ। और बाद में कमेंट आया था, मैंने आप लोगों का कमेंट देखा नहीं था कि भिंडी की भुजिया और करेले की भुजिया आप बनाती हैं, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ये देखिए, उन्होंने मेरे पसंद के आम खरीदे हैं, बोले तुमको पसंद है तो ये वाले आम सच में खाने में बड़े मस्त लगते हैं। एक तो दशहरी आते हैं और ये सीजन में ना मुझे बड़ा मजा आता है, अब ये खाने में लगे, मैंने कहा लो आप भी खा लो, बच्चों ने भी खाया, सबको ये आम बहुत पसंद है। इसका स्वाद अलग अलग सा मीठा होता है, पता नहीं आप लोगों को पसंद है कि नहीं। तो तोरी की नेनुए की सब्जी बनाने के बाद इसमें मैंने भिंडी और प्याज की भुजिया बनाई है। यही बोल रही थी कि मैंने पहले कमेंट देखा होता तो शेयर कर देती, तो और आगे जब बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि भिंडी देव, दीपू, दीक्षा तीनों को पसंद है और ये लोग नेनुआ तोरी जो है वो बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो दोनों ही आज बना देती हूँ। तो आज खुश हो गए बच्चे कि पूरे दिन मन का बना कि अच्छा अच्छा ऐसे ही बनाया करो मम्मी डेली। तो बस सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और न्यूज़ साथ में, न्यूज़ हमारी चलती रहती है, इससे बच्चों में भी फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा न्यूज़ इसी बहाने देख लेते हैं, नहीं अपने से तो न्यूज़ बिल्कुल बच्चे लगाएंगे ही नहीं, देखेंगे भी नहीं। और उसके बाद ना सब काम निपटा के ये सिरका जो है गाँव से मैं लेकर आई थी, शायद आप लोगों को याद हो तो देखा होगा, इसमें सब कुछ मिला नहीं था, ऐसे ही सिरका खरीद के लाए थे, तो इसमें मिर्च और लहसुन और आम कटे हुए डाल दिए थे, पर इसमें थोड़ा सा कटहल और मसाला ये सब डालना था, नमक डालना था, पूरी तरह से बना नहीं था। तो ये सिरका गांव में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, मैं ढूंढती हूँ ना यहाँ नहीं मिलता, ये काला काला सिरका गुड़, गन्ने के रस से और गुड़ से बनाया जाता है वैसे तो। तो इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मसाला जो अचार का मसाला होता है ना वो डाला है, धनिया और जीरा, सौंफ, मंगरेल, ये सारी चीज़ें उसमें, मेथी, ये सब भूजती हूँ जो मैं मसाले में अचार के, वो थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा नमक, और ये कटहल को फ्राई करके मैंने शाम को रखा था, आप लोगों ने देखा था ना, वो एकदम ठंडा हो गया था, तब उसको डाल दिया है। और ये इसमें लाल मिर्च, आम, लहसुन, ये पहले से पड़ा हुआ था, तो बस ये सारी चीज़ें ऐसे ही डाल देते हैं। वो सब चीज़ें तो कच्ची ही पड़ी थी, सिर्फ कटहल अकेले इसमें मैंने फ्राई करके डाला है। ये खाने के लिए मतलब दाल चावल के साथ वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है, गांव के जो होंगे उनको पता होगा कि सिरका कितना टेस्टी लगता है। तो सिरका भी बन गया और सारे काम भी हो गए, तो इस वीडियो का एंड करने का समय भी आ गया है और आप लोग से विदा लेने का। और आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।